हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA थर्ड सेमेस्टर न्यूमेरिकल कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड में। आज हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे यूलर्स मेथड का। तो हमारा एग्जांपल है dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस y स्क्वायर इक्वेशन है। हमारा फंक्शन दे रखा है ये, और y 0 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि y 0.2 की वैल्यू दे रखी है 0.02। फाइंड y निकालना है 0.4 पर बाय मॉडिफाइड यूलर्स मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक, जहां पर हमें टेकिंग h इंटरवल जो लेना है वो हमें लेना है 0.2। इंटरवल हमें स्टूडेंट्स कितना लेना है 0.2। तो अब आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में देखेंगे स्टूडेंट हम कि f ऑफ एक्स वाई जो हमारा दे रखा है, वह हमारा दे रखा है x माइनस वाई का स्क्वायर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारी एक्स जीरो की जो वैल्यू दे रखी है वह हमारी दे रखी है 0.2, ठीक है। y0 = y0। तो यानी कि 0.2 हमारी ये वैल्यू दे रखी है। देन वाई ज़ीरो की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी स्टूडेंट्स, 0.02। एंड एच की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है स्टूडेंट, 0.2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि एक्स वन हमारा जो है वह 0.4 रहेगा। तो हम देखेंगे कि हमें इस इक्वेशन पर निकालना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे f(x0, y0) = x0 - y0² = अब x0 की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.2, और y0 की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.02 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 0.2। सबसे पहले हम इक्वेशन में x0 y0 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम 0.2 - 0.0004 आएगा हमारा 0.02 का स्क्वायर। तो हम जब इसको करेंगे कैलकुलेट, तो हमारा कैलकुलेटर का होकर आएगा 0.1996, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम निकालेंगे y1। तो y1 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, y0 + h of f x0, y0, ठीक। अब हमारी y0 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, हम प्रीवियस वैल्यू लगाएंगे, ध्यान रखिएगा कल भी हमने ये समझाया था आपको, हम इसमें अब भी x0 y0 की ही वैल्यू लेंगे। तो y0 की वैल्यू हमारी कितनी दी रखी है 0.02, प्लस h इंटरवल कितना दे रखा है हमारा 0.2, ठीक है। h इंटरवल हमारा कितना रखा है 0.2, और हमने जो अभी वैल्यू निकाली है, ठीक है, अभी हमने जो वैल्यू निकाली है x0 - y0 का स्क्वायर, तो हम यह वैल्यू सिंपल यहाँ रख देंगे 0.1996। तो हमारा वाई वन की वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आ गई स्टूडेंट, 0.060, ठीक। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, वह किसकी आ गई, वाई वन की, ठीक। हमने एक्स वन हमारे पास दे रखा है 0.4। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हम देखेंगे यहाँ पर f(x1, y1). अब हम फिर से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अब हम फिर से क्या करने हैं, x1 - y1 जो हमने निकाला है y1 का स्क्वायर, ठीक है, y1 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे x1 हमारे पास यहाँ पर जो है वह हमारे दे रखा है 0.4, ठीक है, माइनस कितनी वैल्यू निकल के आई थी हमारी 0.060 का स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो कैलकुलेट होकर आएगा वह आएगा हमारे पास 0.3960, ठीक है। पहले हमने ये कैलकुलेट कर ली, अब हमारे पास आसानी रहेगी इसको सॉल्व करने से, इसलिए हम इसको पहले से कैलकुलेट करके चलते हैं।
अब हम निकालेंगे बाई टू, बाई टू हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें देखें अब थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा, वाई ज़ीरो प्लस एच अपॉन टू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कॉमा वाई ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। ठीक, अब हम देखेंगे वाई ज़ीरो, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई वाई टू में, वह हमारे पास वाई ज़ीरो की वैल्यू रखेंगे हम कितने रखेंगे 0.02, और यहाँ पर हमारे पास एच जो है स्टूडेंट वह एच है हमारे पास कितना 0.2 अपॉन टू, तो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे 0.1996 प्लस 0.3964, ठीक। ये हमने किस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट इसको जब हम प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर जो कैलकुलेट होकर आएगा वह आएगा 0.796 हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा। अब हम क्या करना है, अब हम निकालेंगे एफ एक्स वन कॉमा वाई वन डैश, ठीक है। एफ एक्स वन कॉमा वाई वन डैश हम निकालेंगे, तो ये हम कैसे निकालेंगे एक्स वन माइनस वाई वन, सॉरी वाई टू जो हमने निकाला है उसका स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ पर देखेंगे 0.4 हमारा दे रखा है माइनस ज़ीरो, इसको हमने लिख देंगे 0. इसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 0.8, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे हम, इसका स्क्वायर करने के बाद स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो ये कैलकुलेट होकर आएगा वह कितना आएगा 0.3936, ठीक है स्टूडेंट। अब हम Y3 कैलकुलेट करेंगे, Y3 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वह फार्मूला होगा Y0 प्लस एच अपॉन टू X0 कॉमा Y0 प्लस X1 कॉमा Y2, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा 0.02 प्लस एच अपॉन टू के लिए हम कितना लिखेंगे 0.2 अपॉन टू, ठीक है। अब X0 Y0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 0.1996, ठीक है। प्लस ये वैल्यू अभी जो हमने कैलकुलेट करके आई थी हमारे पास वह कितनी आई थी 0.3936, ठीक। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास ये कैलकुलेट होकर क्या आएगा 0.079, और हमारे पास 0.079 और हमें यहाँ पर भी जो मिला था वह हमें मिला था 0.079, ठीक है। तो अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस तक दे रखा था, तो अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस तक हमारा ये मैच कर दिया 0.079। तो हम इस तरीके से लिख देंगे कि हमारा Y3 इक्वल टू Y2, हैंस वैल्यू इज 0.079। अब इसको आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं हम कि हमने जो क्या करा, फर्स्टली हमारा इक्वेशन दे रखा है ये हम कर रहे हैं मॉडिफाइड यूलर मेथड से, सिंपल यूलर मेथड का थोड़ा हमारा तरीका अलग है, इसका हमारा तरीका थोड़ा अलग है। तो हमने लिखा X0 इज इक्वल टू 0.2, Y0 की वैल्यू दे रखी है 0.02, एच जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 0.2। अब X0 कॉमा Y0 को हमने पहले कैलकुलेट करा और कैलकुलेट कर हमारा क्या आया 0.1996। अब ये पर्टिकुलर X0 Y0 की वैल्यू हम हर अप्रोक्सीमेशन में यूज़ करेंगे, ठीक। Y1 निकालेंगे हम, Y1 में हमने क्या करा 0.02, तो हमारा क्या आ गया 0.060, ठीक है। फिर हम दोबारा से इसको कैलकुलेट किया, चलिए हम ये वाली लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारा ये क्या कैलकुलेटर होकर आ गया X1 Y1 0.3960। अब हमने जब फर्स्टली तो हमने वही टर्म यूज़ करी, ठीक है,
हम जानते हैं हमने प्रीवियस वैल्यू लगाई। वाई टू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एच अपॉन टू कर देंगे यहाँ पर, सिंपल बस यहाँ पर क्या करना है एच अपॉन टू और फर्स्ट टर्म के साथ नेक्स्ट टर्म को ऐड कर देना। फर्स्ट टर्म के साथ जो हम कर रहे हैं यानी कि प्रीवियस टर्म के साथ करंट टर्म को यूज़ कर देना है। प्रेजेंट टर्म हमारी ये है, ठीक, प्रीवियस टर्म हमारी ये है, तो 0.02 प्लस 0.2 अपॉन 2। अब हमने ये क्या करा, ये हमारी एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू है, ये हमारी एक्स वन वाई वन की वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 0.0796 ये हमारा ये कैलकुलेट होकर हमें मिला। एक्स वन कॉमा वाई वन हमने जब कैलकुलेट किया, अगेन एक्स वन कॉमा वाई वन डैश, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वाई टू की वैल्यू लगाई जो हमारी कैलकुलेटर होकर आई 0.08, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर हमने उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.3936। अब वाई थ्री की वैल्यू हमने फिर से कैलकुलेट की, ठीक है, एक्स वन कॉमा वाई टू, ये हमारा एक्स वन कॉमा वाई वन का डैश, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर 0.1996 प्लस 0.3936 हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.079। अब y3 जो है वो y2 के इक्वल है क्योंकि हमारा ये जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर जाता है। सो स्टूडेंट ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा आपको ध्यान से समझ के एक बार खुद से करके देखना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो आई होप आप एक बार खुद से करके देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बस यहाँ पर h by 2 जो है वह टर्म हमारी चेंज हो जाती है सिंपल यूलर मेथड के कंपैरिजन में। सो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर जो है अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।